हेलो एवरीवन, मैं बिलाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिलाल सर में। तो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम में 100% आएंगे दोस्तों, वो है अरब स्प्रिंग और ब्रिक्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। और जो लोग चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अरब स्प्रिंग के बारे में। जी हाँ, अरब स्प्रिंग के बारे में बात करते हैं। तो अरब स्प्रिंग, इसे अरब क्रांति है ना के नाम से भी जाना जाता है। तो अरब स्प्रिंग यानी अरब क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से होती है? तो सबसे पहले अरब क्रांति की शुरुआत होती है ट्यूनीशिया से। जहाँ तक ना, ट्यूनीशिया से अरब क्रांति की शुरुआत हुई। और ये क्रांति होती है कब? 2010 यानी 17 दिसंबर 2010 को ट्यूनीशिया से अरब क्रांति की शुरुआत होती है, राइट। चलिए, ट्यूनीशिया कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो ट्यूनीशिया जो है उत्तरी अफ्रीका का एक देश है। और ट्यूनीशिया जो है अल्जीरिया और लीबिया जो कंट्री है ना, उन देशों के बीच में एक बसा हुआ देश है जिसे हम ट्यूनीशिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। खैर, उसके बाद ये जो जिसे हम ग्रेड भी कह सकते हैं, अरब क्रांति कह सकते हैं, किन किन राज्यों में यानी किन किन देशों में फैला, इसमें सीरिया है, लीबिया, मिस्र, यमन और बहरीन शामिल थे। और इन देशों में शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध, विद्रोह, हिंसा और नागरिक युद्ध शामिल हुए थे। तो शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर युद्ध होने मतलब ये था कि लोग यानी वहाँ की जनता, अरब देश की जनता अपने शासन व्यवस्था से काफ़ी तंग आ चुकी थी, क्योंकि वो जो शासन व्यवस्था थी राजशाही थी, तानाशाही थी। तो नागरिकों को वो सारे अधिकार नहीं दिए जाते थे जो अन्य लोकतांत्रिक देशों में अधिकार दिए गए थे। तो इसी तरह से वहाँ की जनता ने अपने अधिकारों की मांग करने के लिए क्रांति का सहारा लिया, इसे अरब क्रांति के नाम से जाना जाता है। और ये क्रांति गृह युद्ध के रूप में भी शामिल होती है। चलिए, इसके अलावा इसमें मोरक्को, इराक, अल्जीरिया, लेबनान, जॉर्डन, कुवैत, ओमान और सूडान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। और कुछ अन्य स्थान जहां जिबूती शामिल है, मॉरिटानिया, फिलिस्तीन, सऊदी अरब और पश्चिम सहारा कुछ क्षेत्रों में मामूली पैमाने पर हिंसक प्रदर्शन हुए थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए जो अरब क्रांति थी, पूरे अरब प्रायद्वीप या मिडल ईस्ट की क्रांति थी। और पूरे अरब क्रांति में सत्ता परिवर्तन के खिलाफ चलाया गया एक गृह युद्ध या चलाया गया एक आंदोलन था, जिसकी शुरुआत 17 दिसंबर 2010 में देश था ट्यूनीशिया, वहाँ से होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो चलिए, अब बात करते हैं दोस्तों अरब क्रांति के उद्देश्य की, ठीक है। उद्देश्य क्या था इस अरब स्प्रिंग के? तो सबसे पहले हमारे सामने जो उद्देश्य वो था, हर कोई राजनीतिक स्वतंत्रता और शासन में सुधार करना चाहता था। राजनीतिक स्वतंत्रता मीन्स कि उन्हें चुनाव में भाग लेने का अधिकार, जैसे बहुत से अरब देशों में आज भी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं है। और शासन में सुधार, शासन कुछ वर्ग तक ही सीमित था, शासन में प्रत्येक वर्ग यानी नागरिकों के समान उसे भागीदारी नहीं थी। तो हर कोई राजनीतिक स्वतंत्रता और शासन में सुधार करना चाहता था, इस अरब क्रांति का उद्देश्य ये था। दूसरा, लोकतंत्र की लहर बाधित हुई, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अधिकतर वर्तमान में देखेंगे समकालीन विश्व में तो अधिकतर देश लोकतांत्रिक हैं, और अधिकतर देश जो लोकतांत्रिक नहीं भी हैं वहाँ पर भी लोकतंत्र की मांग लगातार होती रहती है, क्योंकि वहाँ के लोग भी, अरब के देश के लोग भी अपने जीवन स्तर को उठाना, ऊपर उठाना चाहते थे। जो लिविंग स्टैंडर्ड था उनका, जीवन जीने का तरीका था, उसको पहले से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे वो। तीसरा था, तानाशाही से लोकतंत्र में बदलाव की मांग कर रहे हैं, यानी तानाशाही के शासन से वहाँ की जनता पूरी तरह तंग आ चुकी थी और वो लोकतंत्र की मांग कर रहे थे, क्योंकि लोकतंत्र में सभी अधिकार दिए जाते हैं समान नागरिकों को, तो वहाँ पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे भारत में लोकतंत्र है। और वे शिक्षा और विकास और रोजगार में बेहतर अवसर चाहते थे, वो शिक्षा की ओर मांग कर रहे थे और विकास के साथ साथ वो रोजगार में भी बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। चलिए, ये उद्देश्य पूरा हो गया, गॉट इट। अब हम बात करते हैं अरब क्रांति के या अरब स्प्रिंग के कारण क्या रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि तानाशाही सबसे पहला कारण था, यानी वहाँ का शासक जो थे तानाशाही थे। और तानाशाह का मतलब होता है कि निरंकुश सत्तावाद, वहाँ के लोग निरंकुश सत्ता पर विश्वास करते थे और राजा का शासन होता था, राजा अपने अधिकारों का प्रयोग मनचाहे तरीके से करता था, जनता तंग जो वहाँ की जनता थी वो तंग आ चुकी थी और तानाशाही की समाप्ति के कारण वहाँ पर आंदोलन हुआ। दूसरा था, बढ़ती जनसंख्या। अरब देशों की जनसंख्या लगातार यूनाइटेड नेशन ऑफ यानी यूएनओ के अनुसार, यूएनओ का एक आधिकारिक आंकड़े के अनुसार 1970 से 2010 तक की जो ये अरब देशों की जनसंख्या वो दुगुनी हो गई थी। और जनसंख्या में वृद्धि के हिसाब से वहाँ पर विकास की दर नहीं बढ़ी थी, इससे अधिकांश जनसंख्या गरीबी की हालत में जीवन बसर कर रही थी, इससे भी लोग तंग आ चुके थे।
रोजगार की समस्या भी थी, क्योंकि जनसंख्या जब बढ़ेगी तो रोजगार भी रोजगार की समस्या बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए भारत भारत में बेरोजगारी है इससे किसी प्रकार से, और भ्रष्टाचार की समस्या भी मौजूद थी, और इन सभी से वहाँ लोग इससे समाप्ति चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं अरब दुनिया में भ्रष्टाचार का मुख्य समस्या थी कि वह यह उस समय बहुत महत्वपूर्ण था, और इस वजह से लोगों का धीरज खत्म हो गया था। जो कुछ भी फ़ायदा हुआ वो पूंजीवादी अल्पसंख्यकों के लिए था जो शासन के करीब रहते थे, ना कि सभी लोगों को। ये थी अरब क्रांति। और ठीक है, अरब क्रांति उद्देश्य देख लिया, परिणाम अब हम बात करते हैं अरब क्रांति के परिणाम के बारे में। तो अरब क्रांति का सबसे पहला परिणाम क्या रहा दोस्तों, तो ट्यूनीशिया की बात करें तो ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति बेन अली को उनके पद से हटा दिया गया और उनकी सरकार को पूरी तरह से बर्खास्त कर दिया गया। ठीक इसी प्रकार से मिस्र में क्या हुआ, मिस्र के राष्ट्रपति हुस्न मुबारक को शासन से निष्कासित कर दिया गया और उनकी सरकार को आरोपियों के तहत उखाड़ फेंका गया और उन्हें हुस्न मुबारक को गिरफ्तार कर लिया गया तानाशाही सत्ता के खिलाफ। लीबिया में भी कुछ ऐसा हुआ, लीबिया में गृह युद्ध और के दौरान जनरल गद्दाफी मारा गया और उसकी सरकार को उखाड़ फेंका गया। यमन में ठीक ऐसे होता है कि राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सलेह को सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। सीरिया में भी सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन का विरोध किया सामना करना पड़ा और विरोध जो है गृह युद्ध में भी बदल गया था। ठीक इसी तरह से अन्य राज्यों में अन्य देशों में भी, इसे बहरीन चाहे वह कुवैत हो ओमान हो लेबनान, ठीक है, और यहाँ की सरकार में कुछ बदलाव किए गए थे। तो ये रहा दोस्तों अरब क्रांति, अरब स्प्रिंग, अरब क्रांति और अरब स्प्रिंग से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इसी के अंदर ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। शुरुआत 17 दिसंबर 2010 में, देश था ट्यूनीशिया, राइट। चलिए अब हम अपने सेकंड टॉपिक की ओर चलते हैं, वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स दोस्तों, ब्रिक्स की अगर बात करें तो ब्रिक्स की स्थापना 2006 में, हालांकि इसकी स्थापना 2001 से ही बात की जा रही थी, लेकिन स्थापना 2006 में चार देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने मिलकर की थी। हालांकि पूरी तरह से ये प्रयोग में नहीं लाया गया, प्रयोग में लाया गया कब, जब इसके ब्रिक्स का प्रथम शिखर सम्मेलन 2009 में होता है, वहाँ से इसके प्रयोग में लाना शुरू किया गया। तो ब्रिक्स मतलब बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। चलिए ब्रिक्स के बारे में बात करते हैं। तो ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स का मतलब, ब्रिक्स एक उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ का शीर्षक है और इसके घटक राष्ट्र यानी इसके जो सदस्य राष्ट्र कौन कौन से हैं, इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। और इन्हीं देशों के अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षरों से, जैसे ब्राज़ील का बी, रूस का आर, इंडिया का आई, चाइना का सी और अफ्रीका का साउथ अफ्रीका का एस से मिलाकर इस समूह का नामांकन हुआ और इसे क्या कहा जाता है, ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। स्थापना 2006 में चार देशों ने मिलकर की थी, हालांकि 2006 में पूरी तरह से कारगर यानी काम करने शुरू नहीं किया गया था। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया और इसे अब ब्रिक्स कहा जाने लगा। जी हाँ, पहले इसे अफ्रीका के शामिल होने से पहले ब्रिक्स को ब्रिक के नाम से जाना जाता था। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हो जाता है और दिसंबर 2010 के बाद ब्रिक क्या हो जाता है, ब्रिक्स हो जाता है। ठीक है, चलिए दक्षिण अफ्रीका पहली बार शामिल कब किया गया, 2010 में, और मार्च 2011 में दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार चीन के सनाया में तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। जी हाँ, तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। अगर हम बात करें कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन या ब्रिक्स का उद्देश्य क्या था दोस्तों, कोई भी संगठन होता है उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि संस्थापक सदस्य देशों को विकास करना, और चाहे वो आर्थिक विकास हो, चाहे सांस्कृतिक विकास हो, चाहे राजनीतिक विकास हो, क्योंकि विश्व के जो एक ध्रुवीय व्यवस्था थी उससे देश आगे निकल कर अपने विकास गुट के माध्यम से करना चाहते थे। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल किए जाने से पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था और रूस को छोड़कर ब्रिक्स के जो सभी सदस्य देश हैं वो दोस्तों क्या है, विकासशील हैं या नव औद्योगिकृत राष्ट्र हैं। केवल रूस जो है वो विकसित राष्ट्र है जिनकी अर्थव्यवस्था भी वर्तमान में तेजी से बढ़ रही है और राष्ट्रीय राष्ट्र क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं वैश्विक रूप से, और विश्व की GDP पर भी इनका काफ़ी योगदान है। अगर विश्व की कुल जनसंख्या की बात करें तो वर्तमान में विश्व की कुल जनसंख्या के 41% इन्हीं देशों में निवास करती है। इसे R5 के नाम से भी जाना जाता है। R5 के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन पाँचों देशों की जो मुद्रा है उनका नाम R से शुरू होता है, जैसे रियाल, रूबल, रुपया, रेनमेडी और रैन। ठीक है, तो
इस तरह से इन पांच देशों की मुद्रा का जो शुरुआत है वो आर से होता है, इसलिए इसे आर फाइव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कब होता है। तो ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन जून यानी 16 जून 2009 में होता है। कहाँ होता है? रूस में। रूस का एक शहर है यकोतिनबर्ग। ठीक है, अभी तक कुल कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं? तो अभी तक कुल 13 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं ब्रिक्स के, यहाँ 13 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। भारत की बात करें तो भारत जो है, भारत ने दो बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की अभी तक, हालांकि 2021 में भारत भी करेगा। भारत ने दो बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है, पहला 2012 में और दूसरा 2016 में। वर्तमान में 2021 के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी भी भारत ही करेगा। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सदस्यों के द्वारा एक नए बैंक की स्थापना करी गई, उसका नाम क्या है? NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो नई दिल्ली में 2012 में आयोजित चौथे शिखर सम्मेलन में एक ऐसे बैंक की स्थापना का मार्ग सुझाया गया जो ब्रिक्स सदस्यों ने बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने में मददगार हो सकता हो। और इसी के लिए नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में विचार के बाद ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 15 जुलाई 2014 को की गई थी। 15 जुलाई 2014 को NDB की स्थापना की गई। ठीक है, NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई। और ब्रिक्स बैंक की जो शुरुआती अधिकृत पूंजी थी यानी कितने रुपये से बैंक की शुरुआत की गई थी, तो वह था 100 बिलियन यानी $100 बिलियन से इसकी शुरुआत की गई थी। और NDB का मुख्यालय कहाँ है? संघाई चीन में है। और भारत के KV कामत न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष हैं। वर्तमान 2021 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा दोस्तों। और जो कुछ महत्वपूर्ण ब्रिक्स सम्मेलन हुए हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर मैंने आपको दे दी है। पहला ब्रिक्स सम्मेलन अगर बात करें तो 16 जून 2009 को रूस के यकोतिनबर्ग में हुआ था। भारत को तो भारत में जो चौथा ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है। और इसके अलावा 2016 का 8वां ब्रिक्स सम्मेलन भी भारत में हुआ है और 2021 का ब्रिक्स सम्मेलन भारत में होगा। तो दोस्तों ये इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।